बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज किस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीएससी सेकेंड ईयर में है उनका 2022 का देखो पेपर हुआ है। ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों का है, मतलब कि जो फैजाबाद में यूनिवर्सिटी है, जो जूलॉजी का सेकंड पेपर है, मतलब यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपको बस ये याद रखना है कि जो पेपर आपको बन रहा है, देखो जूलॉजी का सेकंड पेपर बना है तो सभी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन लगभग की लगभग लगभग बता रहा हूं कि 50% क्वेश्चन यही आ रहे हैं। तो आपने अभी तक जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में आ रहे हैं, बाकी कुछ और नहीं देखना है। और सभी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को एक बार शेयर कर देना है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लेलिस्ट का जाइए, हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम पर टच करिए और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां नोट्स हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहां देखो पूरे इस पेपर को देख लो ध्यान से, ये आपका जो पेपर है वो 50 नंबर का था, 3 घंटे में सोल्यूशन करना था, डेवलपमेंट बायोलॉजी से कह सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन एंड जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ आपको जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन आल करना है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 50 शब्दों में है, आप यहाँ कह रहा है 1/5 की बात करने वाले हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन का 5-10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें एक नंबर का है, तो मतलब कि 5-10 क्वेश्चन आपको करना है और एक नंबर का एक है तो 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के हो जाते हैं। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा कपी, देखो कपी मानव, कपी और मानव की तुलना करना है, मानव कौन होते हैं और कपी कौन होते हैं, इन दोनों की आपस में अंतर बताना था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो यहां से देखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूं, ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें हमसे कह सकते हैं असंजात अंग जो होते हैं, असंजात अंग किसे कहते हैं, जैसे होमोलोसिस या से संजात अंग, देखो असंजात अंग और संजात अंग क्या होते हैं उसके बारे में अंतर आपसे पूछा है। उसमें देखो नेव लैमार्क बाद जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था वही पेपर में आया है, देख लीजिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, न्यूट्रल कह सकते हैं न्यूट्रोपिकल क्षेत्र के प्राणी जाति के बारे में आपको बताना था, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया लेकिन अवशेषित अंग दिया था, अवशेषित अंग कहते हैं। और ये देख सकते हो ब्लास्टोसिस क्या होता है, इसके लिए मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में नीचे आप देख रहे हैं अंडे के या कह रहे हैं मुर्गे के अंडे का आपको क्या बताना है, मानचित्र बनाना है, मतलब मुर्गे का जो अंडे होता है उसका आपको चित्र बनाना है, मुर्गे के अंडे का पूरा देख लीजिए, मुर्गी का जो अंडा होता है उसको आपको क्या है अंडे का चित्र बनाना है, मतलब उसका चित्र बताते हुए क्या है ये चीज, वो सबसे आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो मुर्गा मुर्गी का जो अंडा होता है उसकी बात करने वाले हैं, जो मार्केट में आप देखा होगा, इसको देख लीजिए मीसोजोइक एरा जो होता है इसके लिए, देखो ये मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, पूरा क्वेश्चन आया, देखो ये देख लीजिए जो अपरा के कार्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम नीचे जाते हैं यहाँ देख लीजिए, ये जीवाश्म जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया इंपोर्टेंट दिया था, ये भी क्वेश्चन बनाया, सेक्शन नंबर बी में पहुंच जाइए, या कह रहा है 200 वर्ड में आपको आंसर देना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 5 नंबर के हिसाब से 5 क्वेश्चन करोगे तो 25 नंबर के हो जाते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है बायोजियोग्राफी क्या होता है, बायोजियोग्राफी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था कि 6 बायोग्राफी जो होते हैं उनको नामचित बनाकर आपको पूरा वर्णन प्रजातियों के वर्णन करने के लिए बोला गया, यदि आप ये ना करना चाहें तो इसका अधवाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं जैविक स्पीसीज जो होती है, जैविक प्रजातियां होती हैं उनका कंसेंट के बारे में आपको बताना था, संक्षिप्त वर्णन कॉन्सेप्ट जो था उसके बारे में, ठीक है। तो जैविक कह सकते हैं जो जैविक जातियां होती हैं उनका जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमसे पूछा गया। वहीं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ साइड डाला है, ये देखिए उसके बाद में इसका ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन ये आ गया, देखो निषेचन क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप इसको कर सकते हैं, यदि ये ना करना चाहें तो आप देखो संक्रमण जन क्या होते हैं, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, पूरा 5-5 नंबर का देखो क्वेश्चन फंसा है, यदि आप ये ना कर सकते तो अंडे के प्रकार बता सकते हो, देखो अंडों के कितने प्रकार होते हैं, 5 नंबर का ये फंसा है, ठीक है। फेट मैप की परिभाषा, मुर्गी के फेट मैप का वर्णन करो, देखो मुर्गी के अंडे के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 5-5 नंबर 10-10 नंबर के पूछे गए, आप देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन संक्षिप्त में आपको बताना है, ओपरिन क्या होता है, ठीक है, ओपरिन के बारे में, ओपरिन क्या होता है, ठीक है, और कह सकते हैं हाल्डेन क्या होता है, हाल्डेन के बारे में देखो, इनके आपको कि जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत बताना है आपको। उसके बाद में आपको इनके इन्होंने क्या कहा, जीवन की उत्पत्ति के ऊपर सिद्धांत दिया था हाल्डेन, ठीक है, ओपरिन ने, तो उनके बारे में आपको बताना था। और यहां देखिए आप वो ना करना चाहें तो इसका ये अथवा अंडजनन किसे कहते हैं, ये जो मैंने आपको बताया युग्मजनन के बाद अंडजनन और संक्रजन दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों जनन अलग अलग आ गया, 5-5 नंबर का पूरा क्वेश्चन फंसा है। देखो ये आ गया कि विकास की प्रवृत्ति आधुनिक मानव द्वारा जो उच्च कह सकते हैं उपाजित विशिष्ट के गुण होते हैं उसके बारे में
यदि आप ये ना करना चाहें तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसे हम गेस्टुलेशन कहते हैं, और गेस्टुलेशन के बारे में आपसे पूरा वर्णन करने के लिए बोला गया। तो ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के, 25 नंबर के फंस जाते हैं, मतलब कुछ भी बाहर नहीं गया है, ये तरीके से कह सकते हैं। और ये जो सेक्शन नंबर सी में जाओगे, तो सेक्शन नंबर सी में हमसे पूछा गया है कि दो क्वेश्चन आपको करना है, 500 वर्ड में देना है। तो देखो दो क्वेश्चन आपको कौन कौन सा करना है, देखो ये वाला दो क्वेश्चन के आंसर दीजिए, 500 वर्ड में आंसर देना है, 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखो डार्विन की बात में आ गया, डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के बारे में पूरा क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाई मैंने कहा डार्विन क्वेश्चन के याद कर लेना, पूरा क्वेश्चन 7.5 नंबर का फंसा, ये फंस गया। ये देखिए 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ये देखो यहां कह रहा चिपके भ्रमण वाह कला इंपोर्टेंट नहीं दिया, ये भी कला इंपोर्टेंट नहीं दिया तो छोड़ दीजिए। इसको देखो हेंस के वर्ड के बारे में ये भी मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, लेकिन जय विकास का वर्णन आपसे गैर विकास का पूरा वर्णन, पूरा क्वेश्चन 5 देखो 7.5 नंबर का फंसा है, आप देख सकते हैं ठीक है। और पेलिस्ट्रोलॉजी के बारे में अध्ययन पूरा ये क्वेश्चन फंसा है। और यहीं भी देखो 10वां जो क्वेश्चन है वो है अपरा, अपरा के जो कह सकते हैं जो अपरा है उसके उसके जो कह सकते हैं जो परिभाषित कीजिए, तो अपरा को परिभाषित कीजिए, और साथ ही साथ यहां जो बोला गया है वो स्तनधारियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपराओं के बारे में एक्सप्लेन करना था ठीक है। और यहां देख सकते हैं, और ये जो यदि ये क्वेश्चन ना करना चाहोगे तो ये देखो जवा आदमी जो मानव होता है कह सकते हैं जवा मानव के महत्व, देखो मानव विकास में जवा आदमी के महत्व के बारे में, जवा जो जवा मैन होता है वुमैन होता है आदमी होता है या फिर मैन कह सकते हैं जवा मैन कह सकते हैं, तो उनके बारे में महत्व के बारे में पूरा क्वेश्चन भाई फंसे हैं जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आप देख सकते हैं। लगभग में कुछ क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वही नहीं बचे हैं, बल्कि लॉन्ग शॉर्ट ये क्वेश्चन तो कोई बाहर ही नहीं जाता है। तो आप सभी लोग जो क्वेश्चन हमको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वही पढ़ना है, बाकी कुछ और ना पढ़ा करो, फालतू में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वही पढ़ो जो पेपर में आ रहा है ठीक है। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना ठीक है। अब यहां आप जब जोड़ोगे ना इन सभी नंबरों को तो आप खुद लगा सकते हो केवल कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं फंसा है, आप देख लीजिए। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करने वाले, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में केवल यहां देखो, देखो ये क्वेश्चन पूरा फंसा है, ये क्वेश्चन फंसा है, ये क्वेश्चन फंसा है, ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला अपरा वाला फंसा है ठीक है, एक ये नहीं फंसा है, मिसोजोरिक ये भी पड़ा फंसा है ठीक है, ये वाला देखो असंगजनन लेमार्क बाद जीवाश्म ये सारे फंसे, एक ये ना फंसा है। तो 2-3 नंबर मान लो कम कर दो इधर, 47 दूनी कितना होता है, देखो 47 × 2 कर दो तो आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा ठीक है, क्योंकि 50 × 100 करते हैं तो 50 × 50 = 200, तो 47 × 2 मतलब क्या, 7 × 2 = 14 हासिल, 1 और 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 94% फंसा है। इस तरीके से कहते हैं 94% आपका एग्जाम में जो हमने बताया था वही आया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और अभी दोस्तों को शेयर कर देना है सभी को, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक जो चला रहे हैं तो फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ठीक है।